Good morning, class 7, history, first chapter, the middle period. For chapter 1, middle period, source of history. इस समय में इतिहास जानने की स्रोत है, अर्थात मध्यकालीन इतिहास इतिहासकारों ने किन आधारों पर लिखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पहला जिस पर इतिहासकार डिपेंड तो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में सबसे महत्वपूर्ण है मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग। मोनूमेंट्स जिसमें पैलेसेस, टेंपल, फॉरेस्ट, फोर्ट्स, मॉस्क्यूज, टब इत्यादि, इनके द्वारा मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चेस दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के दरबार में जिसमें अढ़ाई दिन का झरना, कुतुब मीनार, ऐसे शुरुआती इमारतों के अलावा फिरोज शाह तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण इमारतों का उस समय निर्माण हुआ, जिनके द्वारा इतिहासकारों को इसके बनाने वाले शासक और उस समय कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ, वास्तुकार किस प्रकार से डिजाइन किए, कैसे इनका निर्माण करते थे, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मुगल काल में तो स्थापत्य का में एक क्रांतिकारी प्रभाव है और कुछ ऐसे ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण हुआ जो कि न केवल भारत में बल्कि विश्व में अपना स्थान, जिसमें शाहजहां के शासनकाल में बनाया जाने वाला आगरा में ताजमहल, जिसको विश्व स्तर के स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है, भले किसी की स्मृत के रूप में बनाया गया है, लेकिन इनके आर्किटेक्ट, इनकी डिजाइन, इनकी बनाने की में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, इन सब उस समय कला के प्रभाव के रूप में उससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा आगरा में अकबर के समय में आगरा का जो किला, जिसमें शाहजहां के शासनकाल में बनाई गई बहुत ही मस्जिद सफेद संगमरमर से बनाई गई एक अद्भुत मस्जिद, शाहजहां दिल्ली में दो ऐसे इमारतों का निर्माण करवाया जिसमें रेड को जो आधुनिक भारत में अंग्रेजों के पर्व होने वाले स्वतंत्रता आंदोलन एक महत्वपूर्ण स्मृत के रूप में अंकित है। जामा मस्जिद, इसके बाद ऐसे इस काल की बहुत सी इमारतों का निर्माण हुआ जिससे उस समय के शासन व्यवस्था, उस समय के लोगों की जीवन पद्धति, उस समय की कला, उस समय की कल्चर, इन सब की जानकारी उनके द्वारा मिलती है। इसके अलावा जो अदर सोर्सेस जिसमें इंपॉर्टेंट है
हटाने के लिए किसी भी सीमा पर जाकर आता
सब चीज भारत के व्यापार को लेकर, कैसे भारत के संबंध एक दूसरे देश के साथ यहाँ का व्यापार, इन सब इतिहासकारों जो आए हैं यहाँ पर यात्री, इन्होंने विस्तार से लिखा है, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने इस मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में लिखा। और इसके अलावा उस समय सिक्के क्वाइंस जो प्रयोग किए थे, जिसमें से शासन के शासनकाल में चलाए जाने वाला रुपया, जो आपने आगे करके भारतीय आर्थिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र और बहुत से महत्वपूर्ण ऐसे इंस्क्रिप्शन जिनके आधार पर इस काल के इतिहास को लिखा। तो पहली चीज कि कैसे मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री जाना जाता, इस पहले चैप्टर में इस पे फोकस किया गया है कि इस काल के इतिहास को किन किन स्रोतों के आधार पर लिखा गया है, और जिसके बारे में उस समय के तात्कालिक इतिहासकारों ने नहीं चर्चा की है, कहीं नहीं वो मुद्दे आगे चल के डिस्प्यूटेड भी, जैसे चित्तौड़ के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी के आक्रमण का उल्लेख, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मिनी के बारे में जो चर्चा है, उस समय अमीर खुसरो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आगे आने वाले इतिहास के ऊपर आओ ने इसकी चर्चा की गई, जिसको लेकर इस घटना इतिहासकार बहुत अस्पष्ट हैं। इसलिए मध्यकाल में इतिहास के निर्धारण के लिए हिस्टोरिकल सोर्सों के अलावा उस समय के लाइब्रेरी सोर्स फॉरेन अकाउंट, इसके अलावा अन्य ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर मध्यकालीन भारत के इतिहास को अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। तो इस पहले चैप्टर जिसमें हमें मध्यकाल के इतिहास को पढ़ना है, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल, दिल्ली सल्तनत जिसमें तुर्कों के आक्रमण से लेकर, जिसमें हमें दास्तान, इसके अलावा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के शासकों के समय में होने वाली राजनीति घटनाओं के अलावा दिल्ली के शासन व्यवस्था, दिल्ली शासकों के द्वारा किस प्रकार से उस समय के शासन को संचालित किया, इस समय में होने भारत में आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक और इस समय की कला के बारे में जिसपे चर्चा की, इसकी जो मुगल पीरियड है, मुगल काल जिसमें बाबर के आगमन के साथ तमाम अकबर नगरी जहाँ की शाहजहां औरंगजेब और उसके सक्सेसर उत्तराधिकारी इन सब के इतिहास के अलावा दिल्ली और मुगल काल के जो क्षेत्रीय रूलर शासक रहे हैं और उनसे इस दिल्ली झटपट के शासकों और मुगल शासकों के जो संघर्ष हुए हैं और इसमें कुछ गौरव ऐसे कार्य किए गए हैं, इस गौरव और संघर्ष की गाथा भी इस इतिहास के अध्ययन में उल्लेख किया गया है। और इसमें पहले जो आक्रांता इस समय आए, जिसमें महमूद गजनवी, जिसने भारत में कई बार आक्रमण किया, जिसमें उसका
अपने इस आक्रमण में सफल होता रहा। इसके पश्चात मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन मोहम्मद गोरी अपने आक्रमण में कुछ ऐसे आक्रमण हुए जिसमें वो विफल हुआ, पराजित हुआ, जैसे गुजरात के अहमदाबाद, गुजरात के शासक गोर राज अपनी माता नैनीताल देवी नर्मदा देवी मोहम्मद गोरी को पराजित। भारत में मोहम्मद गोरी की एक पहल। दूसरा तराई का प्रथम युद्ध हुआ, उस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित। ऐसे ही कुछ युद्ध में जिसमें वो पराजित हुआ, लेकिन अंत हुआ भारत के लिए राजपूतों को पराजित करने में सफल हुआ और यहां से दिल्ली सल्तनत के इतिहास की शुरुआत होती है। ये देखिए मोहम्मद गजनवी भारत में राज्य स्थापित करके शासक के रूप में शासन